हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये हमारा लेक्चर 6 है बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम देखते हैं। किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था वोल्फिंग पाउली के द्वारा इन 1925 में। ठीक है, तो ये रूल किसने दिया था, किसने इसे डिस्कवर्ड किया था, इनका नाम था वोल्फगैंग पाउली और इन्होंने डिस्कवर किया था इन्हें 1925 में। फॉर एक्सप्लेन ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स को समझाने के लिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर को समझाने के लिए वोल्फगैंग पाउली ने एक रूल दिया था जिसे हम जानते हैं किस नाम से, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अनुसार, समझिए क्या है इस रूल में, समझ लेते हैं, इसे क्लियर हो जाएगा हमारा। नो नहीं हो सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते हैं समान सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, चार क्वांटम संख्याओं के। ठीक है, मतलब यह है कि जो चार क्वांटम संख्याएं होती है, जो फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं, वे किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी एक ही एटम के, ठीक है, किसी एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर क्वांटम नंबर्स का जो सेट होता है वो इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, इफ थ्री क्वांटम नंबर्स, अगर तीन क्वांटम नंबर्स लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथियल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव सिमिलर वैल्यूज फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर तीन की जो वैल्यू है वो सेम आ भी गई, किस किस की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एजिमिथियल क्वांटम नंबर की और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, अगर तीन की वैल्यू सेम आ भी गई है, तो जो हमारे पास में फोर्थ है, जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमेशा या हर स्थिति में कैसा रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा, अलग ही आएगी उसकी वैल्यू, कभी भी उनकी दोनों की वैल्यू, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मैच नहीं करेगी, अलग ही आएगी, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देन स्पिन क्वांटम नंबर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, वे एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, बिकॉज वन ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, क्योंकि जो एक ऑर्बिटल है वो केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है अपोजिट स्पिन से। ठीक है, अपोजिट स्पिन का मतलब है एक दूसरे से विपरीत। ठीक है, अगर हम किसी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, एक ऊपर को तो दूसरा नीचे को, तो ये अपोजिट स्पिन ही है, ऊपर नीचे से, जैसे मैंने बनाया हुआ है रूल, एक बार फिर क्लियर करा देता हूँ। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो, किसी एक ही एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं वे सेम क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उनकी जो क्वांटम संख्याएं हैं वे समान नहीं हो सकती हैं। हिंदी में बात करेंगे तो ये आपने 11th क्लास में कभी पढ़ा होगा, मैं आपको रिपीटेशन करा देता हूं कि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कि नहीं हो सकते हैं कि नहीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान इक्वल। इफ थ्री क्वांटम नंबर्स लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजिमिथल क्वांटम नंबर्स और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वैल्यू आर सेम या सिमिलर, ठीक है, देन द स्पिन क्वांटम नंबर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तब जो स्पिन क्वांटम नंबर होंगी उसकी जो वैल्यू होगी वे एक दूसरे से कैसी होगी, अलग होगी, डिफरेंट ही, डेफिनेटली कैसी होगी, अलग ही होगी। ठीक है, सेम नहीं होगी, अलग होगी। फिर यहाँ लिखा हुआ भी है विल बी अपोजिट टू ईच अदर, फिर समझाया भी है, बिकॉज वन ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, क्योंकि एक ऑर्बिटल केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ में। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हमने इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 1s2 का करके, तो 1s2 हमारा पहला एग्जाम्पल है इसका, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू हमारा कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है, l बराबर कितना आएगा 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2, आप यही समझ लीजिएगा ये वैल्यू कैसे निकल के आती है। ये जो वैल्यू है हमारे पास में, जो पहली क्वांटम नंबर है वो n है, दूसरा l है, फिर m है, फिर क्या है s है। अब याद रखिए n बराबर होता है नंबर ऑफ सेल, ठीक है, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ सेल है, याद रखिएगा जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल है, मैं बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। और जो l बराबर होता है, l की वैल्यू निकालना सीख लीजिए, s के लिए मान क्या होगा 0 होगा, p के लिए कितना होगा 1 होगा, d के लिए कितना होगा 2 होगा, f के लिए कितना होगा 3 होगा, फिक्स है मेरे भाई, फिक्स है, इतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, इतना ही रहेगा जितना मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, l की वैल्यू चेंज नहीं होगी,
ठीक है, सब सेल पे डिपेंड करती है। सब सेल अगर एस है तो जीरो होगा, पी है तो वन होगा, डी है तो दो होगा, और एफ है तो फिर तीन होगा, ठीक है, इस टाइप से ही होगा। फिर बात करेंगे एम की, तो एम डिपेंड करता है ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। अगर आपको एल की वैल्यू है कितनी, ऐसा आ गया आपके पास में, तो केवल एक बनेगा ऑर्बिटल। अगर आपको पी आ गया है तो एम की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ बेटा, किस टाइप से निकलेगी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, इसके पी के लिए कितने बनाएंगे, तीन ऑर्बिटल बनाएंगे। बात करेंगे डी की, तो डी के लिए आपको कितने ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, पांच बनाने पड़ेंगे, ठीक। इसी प्रकार एफ के लिए कितने बना लेंगे, सात। जो बीचों बीच है उसके नीचे आप लिख लीजिएगा जीरो राइट हैंड में प्लस और लेफ्ट हैंड में माइनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, प्लस वन माइनस वन। तो देखिएगा अगर आपके पास में एस है तो एम की वैल्यू केवल एक ही होगी, हमेशा जीरो। अगर आपके पास में एल बराबर कितना आ रहा है, एक आ रहा है, पी ऑर्बिटल्स आपको यहाँ मिले हुए हैं, तो एम की वैल्यू तीन आ सकती है, माइनस वन भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और प्लस वन भी आ सकती है। क्यों, क्योंकि जो एम जो प्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट करता है किसे, ऑर्बिटल को, ठीक है। जो एम जो शो करता है वो किसे करता है, ऑर्बिटल को। और जो लास्ट में हमने यह ऐसे लिखा हुआ है, ये शो करता है किसे, स्पिन को, ठीक है, कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ये हमें बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों इसमें, कि कैसा घूम रहा है, कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी आ गई होंगी, नहीं आई है तो एक बार निकाल लेते हैं, कौन सा ज़्यादा बड़ी बात है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा जो भी इस पर आ रहे थे। देखिएगा हमें मिला हुआ है 1s1, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो 1s1 लिख लेंगे, 1s1 लिख लिया है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो 1s2 लिख देंगे, 1s2 लिख दिया अब हमने, ठीक है। ये क्या है जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है, इनके जो 1 लिखा हुआ है दोनों के सामने, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल, ये 1, ये 1 क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, n, इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी कितना जाएगा, 1। फिर हमें लिखना होता है l, l डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बताया l s के लिए कितना होता है, 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए कितना होता है, 3। इन दोनों के दोनों में ही क्या है, s है मेरे भाई, तो s के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और यहाँ भी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, एम की। अब एम के लिए हम इसका एक ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो क्या वैल्यू है, 0, तो एम की वैल्यू भी कितनी आएगी दोनों के लिए, 0, क्योंकि दोनों में क्या है, एस है, 0। अब बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन की, तो मुंह ऊपर को होगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका मान आ जाएगा प्लस का 1/2, वैल्यू आ जाएगी प्लस के 1/2। अगर हम बात करेंगे दूसरे की, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें दोनों की जो क्वांटम नंबर थे वो कहाँ हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू इसमें सेम नहीं है। ये देखिएगा ऊपरले वाले में प्लस 1/2 और निचले वाले में माइनस 1/2, तो ये यहाँ जाके चेंज हो गया है, यहाँ यहाँ एस, यहाँ भी एस, दोनों के दोनों में, ठीक है। बात करेंगे अब हम दूसरे एग्जाम्पल की, तो हमने लिया हुआ है इसमें यहाँ 2s2 तो 2s2 में देखिएगा यहाँ एन बराबर कितना है, 2, एल बराबर 0 आएगा, एम बराबर भी 0 आएगा, एस बराबर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा प्लस 1/2, यहाँ एन बराबर 2, एल बराबर 0, एम बराबर 0 और एस बराबर प्लस 1/-1/2। क्यों, आप इसे निकाल लीजिएगा भाई, ये देखिएगा सबसे शुरू में इसके क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो दोनों के लिए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये रख रखी है हमारे पास में। सबसे एल कौन है, एस है, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, दोनों में 0 आएगी, केवल एक ही ऑर्बिटल बनेगा तो उसकी एम की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। फिर हम ऐसे निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर को होगा तो प्लस का 1/2, एक इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे को होगा तो माइनस का 1/2। दोनों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाया प्यारे बच्चों, समझ में आ गए होंगे आपके। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हम सेल लिए हुए हैं, हमारे पास में कोई एक सेल है के सब सेल, हमारे पास में कोई एटम है, सोचिएगा हमारे पास में कोई क्या है, एटम है, एटम के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो एटम के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस टाइप से, वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो चक्कर लगाए हुए हमने बनाए हैं इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं सेल, इन्हें हम बोल देते हैं सेल, हिंदी में कक्षा बोल देते हैं इसे, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। और जो सबसे बाहर होती है, जो सबसे बाद में बनती है, उसे हम बोल देते हैं आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर बनी हुई होती है, जो सबसे बाहर की सेल होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गए होगा तो याद रखिएगा। अब जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगी उसे हम बोलेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब याद रखिएगा न्यूक्लियस के पास से शुरू करिएगा, के एल एम एन, इस टाइप से शुरू करेंगे, के एल एम एन से, ठीक है। इसी टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो इनकी वैल्यू है वो भी इसी टाइप से निकल के आ जाएगी, जैसे कि हमने लिखा हुआ है n=1, n=1, क्यों, क्योंकि मेरे भाई सेल का नंबर कितना है, 1 है, 1 नंबर है, तो केवल दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो केवल एस में ही भर जाएंगे। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, एम की वैल्यू भी 0,
और एस की वैल्यू आ सकती है बस प्लस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू। अगली सेल में जाएंगे तो एस तो होगा ही होगा, एस के साथ साथ में पी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी सेल होगी, दूसरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएंगे। 8 को आप भर सकते हो कितना लिख के, 2 और 6 लिख के, ये 2 इलेक्ट्रॉन एस में और ये 6 इलेक्ट्रॉन पी में, इस टाइप से हम इन्हें भर देंगे। चलिएगा मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, फिर अगले वाले सेल पर हम चलते हैं। ये के बना दिए, के बाद में अब हम पढ़ेंगे इसमें एल, फोर एल सब सेल। अब हम ये एल सब सेल पर गए हैं, एन बराबर क्या है हमारा 2 है। देन पॉसिबल वैल्यूज एल एम एन आर एस, क्योंकि अब हमें पता है जब हमारे पास में एन बराबर 2 है प्यारे बच्चों, तो 2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो एस टू में और पी सिक्स में। याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 6 इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में। जब आप एस के लिए वैल्यू निकालोगे तो एन की वैल्यू तो हर किसी के लिए सेम निकल जाएगी, क्योंकि सेल्स कैसी है, सेम है। और एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होगी, 0, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एल बराबर कितना जाएगा, 0। पी की बात करेंगे तो पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं प्यारे बच्चों, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, बीच में 0, राइट हैंड में प्लस, लेफ्ट हैंड में माइनस। तो पी की वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी, -1, 0, +1, इस टाइप से होंगी, 3 वैल्यू इसमें आ जाएंगी इसकी। जब 3 वैल्यू आ जाएंगी तो हमें पता है एक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आएगी, -1, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +2, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ इसी टाइप से। एल की वैल्यू 6 के लिए हमने लिख दी है, एस की वैल्यू 2 के लिए लिख दी है, और फिर यहाँ हमने क्या काम करा, एस के लिए एम की वैल्यू 0, मगर पी में भी एक वैल्यू ऐसी है जो आती है जब इसके लिए मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। फिर 2 -1 आएंगे, 2 +1 आएंगे, हमने वैल्यू बदल बदल के लिख रखी है, +, -, +, -, +, -, ठीक है। इस टाइप से हम ये वाली ग्राफ भी इसका बना देंगे, जो टेबल हमने बनाई हुई है ये भी हम इसकी बना देंगे, आपको यहाँ भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें सेल्स की, कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, अब हम उनकी भी यहाँ बात करेंगे। जैसे कि हमने सबसे शुरू में लिखा है कि एल सब सेल कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, की जो एल सब सेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है। कैसे कैसे रखेगी भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगी एस ऑर्बिटल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स रखेगी वो पी ऑर्बिटल में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल एंड सब सेल आर शो इन बिलो टेबल, ठीक है, कि जो टोटल नंबर्स होते हैं सेल्स में या सब सेल्स में उन्हें हम किस टाइप से शो करते हैं, वो हमने नीचे अपनी टेबल में बना रखा है। यहाँ से देखिएगा, अगर सेल 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। प्यारे बच्चों नहीं आया समझ में तो याद रखिएगा हुंस के बोरबरी के नियम अभी आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, बोरबरी के नियम आपको पढ़ने हैं, मैं आपको समझाता हूँ। उसमें होता है मैक्सिमम नंबर्स इन ए सेल इक्वल टू होता है 2n² कि किसी एक सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे कितने होते हैं, वे होते हैं 2n² इक्वल टू। अब आप बात करेंगे पहली सेल की, तो n इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेल, n क्या होता है, सेल की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आपको पहली सेल में निकालना है तो आप इसे लिखोगे 2 × 1² = 2। फिर आपको दूसरी सेल के लिए निकालना था तो अब आप इसे लिखोगे क्या, 2 × 2² तो 2 × 2² = 8। 3 के लिए निकाल दोगे तो आप इसे कैसे लिखोगे, 2 × 3² = 18। 4 के लिए निकाल दोगे तो कैसे निकालोगे आप इसे, 2 × 4² = 32, ठीक है। 2 × 4² = 32, 18, 8, 2, इस टाइप से निकाल दोगे। तो यहाँ हमने वही काम किया है, पहली सेल में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो केवल एस उपकोष ही संभव होगा, जो एस सबसे पहले केवल वही प्रेजेंट हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। दूसरी सेल्स में अब हम गए तो हमें पता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं तो एस भी होगा और पी भी होगा, एस भी आ गया पी भी आ गया। तीसरी सेल की बात करेंगे, एस भी आएगा पी भी आएगा और डी भी आएगा, क्यों, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसके बाद की सेल की बात करेंगे, जो हमें लास्ट में सेल मिली हुई है, तो इस सेल में आप ध्यान से देखोगे तो कितना है, सेल का नंबर है 4, तो इसमें एस भी आएगा पी भी आएगा डी भी आ जाएगा और एफ भी, अगली सेल की बात करेंगे तो जी तक आ जाएंगे, ठीक है, जी तक भी आ जाएंगे इसमें। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 50 होंगे। अभी तक कोई भी ऐसा परमाणु ज्ञात नहीं है, नोन नहीं है, जिसमें कि जी प्रेजेंट हो, ठीक है, केवल कितने वाले हैं, एफ वाले। तो अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें केवल क्या रिप्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, केवल एफ है, ठीक है, इसके बाद का कोई भी प्रेजेंट अभी नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि किसी में जी भी भर देते हैं, तो जी मत भरिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, जी अभी नहीं है, भविष्य में कोई एलिमेंट अगर ऐसा ज्ञात होता है तो उसमें जी आ जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं इसमें,
एप्लीकेशन ऑफ पावली एक्सक्लूजन लॉ, ठीक है, जो पावली का एक्सक्लूजन लॉ है उसके कुछ एप्लीकेशन क्या है वे एप्लीकेशंस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो सबसे पहले के बारे में हम समझाया हुआ है वो है बाय दिस एप्लीकेशन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल सब सेल एंड ऑर्बिटल्स। इस रूल के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सेल में किसी सब सेल में किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस रूल के द्वारा किसी सेल में सब सेल में और ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जा सकते हैं। किससे? जो हम रूल पढ़ रहे हैं किसका? पावली का, पावली के रूल से ये सब काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ए सेल इज 2n स्क्वायर, कि किसी सेल में जो मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, निकाल के भी दिखा चुका हूँ, तो याद रखिएगा किसी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 2n स्क्वायर होंगे। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, इट इज इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल, और हम इससे ये भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी सब सेल में कितने सब सेल हैं, ठीक है, किसी सेल में कितने सब सेल हैं। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा है इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास में जो सब सेल है या जो सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। जब हम सेल्स में ऑर्बिटल काउंट करेंगे तो एन स्क्वायर से करेंगे, एन बराबर क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स, वन अगर मैंने रख दूँ, अगर मैं यहाँ वन रख देता हूँ क्या एन इक्वल टू वन, तो याद रखिएगा ये है नंबर ऑफ सेल्स वन, तो यहाँ हो जाएगा हमारा वन का स्क्वायर बराबर वन। इसका मतलब जो पहली सेल होगी उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होगा। दूसरी सेल की बात करेंगे तो टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा? फोर। इसका मतलब जो दूसरी सेल होगी उसमें एस तो होगा ही होगा, एस के साथ साथ में पी ऑर्बिटल भी होगा, क्यों, सॉरी पी सब सेल भी होगी, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल्स का नंबर कितना आ रहा है? फोर आ रहा है। तो याद रखिएगा एस में एक ही ऑर्बिटल होता है और पी में कितने होते हैं? तीन, तो तीन और एक कितने हो जाएंगे? चार, फोर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद में जो हमारा फोर्थ है इसमें लिखा हुआ है इट इज राइट द ऑल फोर नंबर फॉर द ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम, ठीक है, इस रूल के द्वारा किसी एटम में प्रेजेंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स के फोर क्वांटम नंबर्स को लिखा जा सकता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। फिर इसके बाद में इसका फिफ्थ पॉइंट है एस ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड अप ऑर्बिटल्स 14 इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। इसका मतलब यह है कि जो एस ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पी मैक्सिमम 6 रख सकता है, डी मैक्सिमम 10 रख सकता है और एफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, इससे कम रख सकते हैं मगर इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है शर्त है। सिग्निफिकेंस समझते हैं इसका, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सक्लूजन मीन्स टू चेक, एक्सक्लूजन का जो मीन्स होता है टू चेक, ठीक है, टू चेक का मतलब आप समझते होंगे पुनः उसे चेक करना, पुनः देखना उसे। इट मीन्स दैट इसका मतलब है एन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल चेक टू एंट्री ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज इन दिस कंडीशन एज वेल एज सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका यहाँ इन्होंने समझाया है कि इसका मतलब ये है कि जब किसी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो तीसरे इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं होती है क्योंकि इस कंडीशन में जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो तीसरे इलेक्ट्रॉन का मैच कर जाएगा किसी पहले या दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर्स कभी भी मैच नहीं करने चाहिए किसी एक ऑर्बिटल्स में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? केवल 2, ठीक है, ये क्या है इसका सिग्निफिकेंस है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार फिर दोबारा से इसे रिकॉल कर देता हूँ, आपको वहाँ से ही समझ में ये आ जाएगा। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? वोल्फगैंग पाउली ने दिया था 1925 में दिया था और क्वांटम नंबर्स को समझाने के लिए दिया था। इनका रूल जो था वो था नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम के वे 4 क्वांटम नंबर्स के सेट सेम नहीं रख सकते हैं। इफ 3 क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एजिमुथल क्वांटम नंबर्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स मे हैव सिमिलर वैल्यूज देन द लास्ट क्वांटम नंबर्स स्पिन क्वांटम नंबर विल बी अपोजिट टू इज अदर वैल्यूज, ठीक है, तो जो हमारी लास्ट की हमारी स्पिन क्वांटम नंबर होगी इसकी जो वैल्यूज होंगी वे कैसी होंगी? अलग अलग होंगी बिकॉज वन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन,
ठीक है, क्योंकि जो एक ऑर्बिटल होता है वो केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है अपोजिट स्पिन से। फिर इसके बाद में हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया किस टाइप से निकालेंगे, या मैं आपको समझा रहा हूँ कि तीन वैल्यूज जो शुरू की हैं वो कैसी हैं, सेम है, मगर जब हम बात कर रहे हैं एंड वाली वैल्यूज की तो एंड वाली वैल्यूज कैसी आ गई है, अलग आ गई है, अलग है इसमें। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो शुरू की जो तीन वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, सेम है, लास्ट की वैल्यू अलग है, शुरू की तीन वैल्यूज सेम है, लास्ट की वैल्यू कैसी है, यहाँ अलग है। फिर इसके बाद में हम गए हैं इसमें फोर के सब सेल, के सब सेल के लिए जब हम यहाँ गए हैं तो एन इक्वल टू कितना आ रहा था, वन आ रहा था, तो एल की वैल्यू, एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आर एस की वैल्यू दो आ जाएंगी, प्लस वन बाई टू या माइनस वन बाई टू, जैसे कि हम फॉर्मूले से निकालना सीख चुके हैं। एस के लिए हम यहाँ से निकाल देंगे, जब हम इसके लिए सेल दो की बात करेंगे तो दूसरी सेल में एस भी पॉसिबल होगा और पी भी, तो P के लिए कितनी आएंगी, छह वैल्यू, S के लिए कितनी आएंगी, दो वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू पर लिए S की हैं और बाकी नीचे जो छह वैल्यू हैं वो किसकी हैं, P की हैं। फिर हमने इसके लिए टेबल बना दी, अगर हम निकालना शुरू करते हैं इस टाइप से निकालते रहते हैं तो बहुत ही लंबी सी टेबल हमसे बन जाती है, पहले हम निकालते हैं के लिए, फिर एल के लिए, फिर एम के लिए, फिर एन के लिए, फिर ओ के लिए, तो बहुत लंबी सी टेबल हमारी बन जाती है। तो हमने क्या काम करा, लंबी टेबल नहीं बनाई, एक छोटी सी टेबल बना दी है और छोटी सी टेबल में ही समझा दिया। आप चाहें तो इसके बाद की भी बना सकते हैं, अभी आपने K बनाया, K के बाद में आपने L बनाया, L के बाद में आप M बनाइएगा, M में S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, M के बाद में N बनाइएगा, N में S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, और D के साथ साथ में F भी आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, पेज से एक पेज से ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। वो टेबल आप बना सकते हैं आपकी इच्छा के ऊपर है। फिर हमने यह बताया है कि जो दूसरी सेल थी उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन से, दो किसमें भरे हैं एस में और छह किसमें भरे हैं, छह भर गए हैं हमारे पी में, ठीक है। ये टेबल हमने यहाँ बनाई है और इसमें हमने बताया कि पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों एस में आएंगे, दूसरी सेल में आठ हो जाएंगे, एस और पी में रहेंगे, तीसरी में 18 हो जाएंगे, एस पी डी में रहेंगे, चौथी में 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, एस पी डी एफ में रहेंगे, और पांचवी में कितना जाएंगे, 50 हो जाएंगे, एस पी डी एफ जी में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने बात करी थी इसके जो हमारे पास में पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, इसके जो अच्छे पॉइंट थे जिन्हें हम एप्लीकेशन बोलते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन लॉ की, वो क्या था, वो ये था, हम इससे ये पता लगा सकते थे कि किसी सेल में, किसी सब सेल में, किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। फिर हम इससे ये भी पता लगा सकते थे कि एक सेल में कितनी सब सेल हो सकती है, फिर हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, और इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसी एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं। फिर नीचे बता दिया गया है कि एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में छह रह सकते हैं, डी में 10 रह सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंस इसका यही है कि किसी भी ऑर्बिटल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाता है तो उनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वे कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।